यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो कुल्लू से आ रही है। कुल्लू में अज्ञात शव मिलने का एक मामला सामने आया है। मलाणा में नदी के किनारे अज्ञात शव यहां पर मिला है। ये बड़ी खबर कुल्लू से आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली के रहने वाले युवक अमन अवस्थी का ये शव निकला है। तो शव की शिनाख्त तब हो चुकी है, फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटा लिए हैं और दिल्ली का ये युवक रहने वाला था। आपको बता दें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को अब शव सौंप दिया जाएगा। ये बड़ी खबर कुल्लू से आपको दे रहे हैं, जहां पर मलाणा में एक शव मिला है। कुल्लू में घूमने ये अमन अवस्थी आया था, दिल्ली का रहने वाला था, जिसकी अब शिनाख्त हो चुकी है। एएसपी कुल्लू निश्चिंत नेगी का ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने शव की पुष्टि की है। निश्चिंत नेगी का ये कहना है कि परिजनों की ओर से शव की पुष्टि कर दी गई है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। ये बड़ी खबर कुल्लू से आपको दे रहे हैं, जहां पर मलाणा में नदी किनारे एक शव मिलने का मामला सामने आया है। शव की शिनाख्त हो चुकी है, दिल्ली के युवक अमन अवस्थी का ये शव है, परिजनों की ओर से शिनाख्त कर ली गई है। तो फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य भी जुटा लिए गए हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा और मौत के कारणों का खुलासा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। ये कुल्लू में घूमने आया था अमन अवस्थी, दिल्ली का रहने वाला था, जिसका शव मलाणा नदी के किनारे मिला है। कि 8 मार्च को अपने कमरे से अपना सामान पैक करके चला गया था, तो उसे तकरीबन 1.5 महीने के बाद हमारी टीम, जो पुलिस की टीम है, उसने उसे ढूंढ निकाला है। तो उसके एक हफ्ते पहले उसके कपड़े जहां और जो उसकी घड़ी थी, जूते वगैरह थे, उससे अगली पिछली साइड को, जो पहाड़ी के पिछली साइड दरिया के पास उसका शव मिला है। तो उसके परिजनों को हमने बुलाया था, जिन्होंने उसकी पहचान की है, वो अमन अवस्थी ही है। तो इस टाइम और हमने फॉरेंसिक साइंस लैब जो मंडी है वहाँ से हमने टीम बुलाई थी, तो उन्होंने मौके का मुआयना किया है, फिजिकल एविडेंसेस उठाए हैं और साथ ही शव को हम आज कुल्लू ला रहे हैं, तो उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा ये मौत के कारण। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष ठाकुर हमारे संवाददाता कुल्लू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, जो शव मिला है ये अमन अवस्थी का ही बताया जा रहा है, जो होली के समय कुल्लू मनाली घूमने आया था और मनाली कुल्लू के मलाणा में जो घूमने आया था, वहाँ पे उस वक्त काफी होली के पास से लापता चल रहा था, तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद इनका शव जो है यहाँ पे मिला है। जी, तो परिजनों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? परिजन जहाँ कुल्लू पहुंचे थे, उन्होंने अपने शव की शिनाख्त कर ली है और बताया कि अमन अवस्थी ही है। आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल्लू में घूमने के लिए ये शख्स आया था, अमन अवस्थी इनका नाम बताया जा रहा है, परिजनों की ओर से शिनाख्त कर ली गई है। एएसपी कुल्लू निश्चिंत नेगी का बयान इस पर सामने आया है। उनका कहना है कि परिजनों की ओर से शिनाख्त कर ली गई है और परिजनों ने शव की पुष्टि भी कर ली है। तो दिल्ली से ये युवक घूमने के लिए कुल्लू गया था, पोस्टमार्टम के बाद कारणों का खुलासा हो पाएगा।